करखोदा विधानसभा का बिदलान गांव, जहां पहुंचते ही आपको गंदगी के ढेर, टूटी गलियां और गंदे पानी से भरा हुआ तालाब दिखाई दे जाएगा। हर तरफ का रास्ता टूटा हुआ, पगडंडियां व गलियां उखड़ी हुई दिखाई देंगी। जब हमारी टीम इस गांव की तहकीकात में जुटी तो सच सामने आ ही गया और ग्रामीणों ने खुलकर कहा कि पिछले सरपंच ने कोई विकास कार्य नहीं कराए। आइए आपको हकीकत दिखाते हैं। आज तक 8 साल हो गए बीजेपी सरकार को बनने को जा रहे हैं, कार्यभार उसी के दिन हो रहा है, लेकिन आज तक की हमारी चौपाल के अंदर 5 पैसे नहीं लगाए गए हैं। आज आप इसकी हालत देख सकते हो, जर्जर हो ही पड़ी है। इसको भाई जातिवाद भेदभाव कहें या क्या कहें, इस तरीके से हमारे साथ ये हो रहा है। आज तक 1 पैसा नहीं लगा और सरपंच को भी कई बार RTI लगाने के बाद भी हमारे को आज तक जवाब नहीं दिया गया। मैं संजय बोल रहा हूँ, मैंने 3 बार RTI लगाई चौपाल के लिए, लेकिन आज तक मेरे को कोई सेक्रेटरी नया SDM के यहाँ भी लगाई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना 5 पैसे आज तक लगे। यहाँ नहीं हुआ जी कुछ भी, ये गाँव के कोई आज तक 5 पैसे नहीं लगे। जो भी ये टाइल वगैरह यहाँ लगे हैं, ये कांग्रेस राज ममता के समय में लगे हैं, इस सरकार में कोई 5 पैसे नहीं लगे आज तक। तो अपने गांव के सरपंच को 10 में से कितने नंबर देंगे? सरपंच को जी हम तो 10 में से क्या एक भी नंबर ना देते, जब हमारा काम ही नहीं हुआ। मेन काम तो यही था हमारा, हमारे समाज के हर समाज अपनी चीज़ों को मजबूत करने पर लगा, कोई काम करवाता अपने उसके, लेकिन आज हमारी ये चौपाली एक पुरानी विरासत थी जिसको संभाल कर रखे हुए, जिसमें भाईचारा इकट्ठा होता है, बरात बैठती है, सब कामों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये खत्म होने के कगार पर है, यही कहेंगे हम। चलिए तो सरपंच ने तो कोई भी विकास कार्य नहीं किया हमारी चौपाल का, तो रही बात यह हमारे एक बड़े बुजुर्गों की और थी जमीन उसके रविदास जयंती उसकी, रविदास भवन की, वो भी उसको आंगनबाड़ी बना दिया, मतलब रविदास मंदिर को आंगनबाड़ी बना दिया, आंगनबाड़ी बना दिया जी उसको भी आंगनबाड़ी बना दिया, और उसके इसके आगे हम कई बार दरखास्त भी लगाई, हमारी कोई सुनाई नहीं उसकी, क्योंकि नंबर आपके मैं देख भी ना देता। और बताइए क्या कहना चाहते हैं? और तो यही कहना था कि हमारे करा है तो काम, उसने एक गली बनवाई है, ठीक है, मीठे पानी को खा रहा करा, नहीं कर पाया आज तक, एक भी काम नहीं हुआ, सारी गलियां का हाल देख रहा है, गंदा पानी जितना जा सारा जोड़ मजा है, और ऊपर गई से तगे बांध रखे से वे अगर मस्या के रोज की रोज थन कट्टे रहे हैं, बुरा हाल कर रखे, एक भी काम नहीं हुआ, ये अपने आप गोज मगाल गया, कितना लाग रहे हो देख लो कुछ भी। सरपंच साहब ने एक तो पानी का जो ट्यूब लगवा था उसका पानी ऐसा आ रहा है जैसे पीड़ा पीड़ा, पशु बीमार भी हो जाए मां आदमी तो कहाँ पी लेगा, फिरनी है वह आप देख लेना, वह दम पड़ी हो उड़ा सब के, किसी बाइक पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा है, नाला हो वह दम पड़ा है, कोई काम पूरा तो कराया ही नहीं, स्टेडियम गया है वो टड़े है खिंचवा गया जयराम जी उसमें की करदा मेरी है, अच्छा कोई भी कार्य पूरा तो होया ही नहीं, मतलब पीने का पानी भी नहीं है, बिजली व्यवस्था चरमराई है, गलियां नालियां इनके बारे में भी थोड़ा देख लो, ये गलियों के नलियां देख लो, सबका बुरा हाल हो रहा है, कि तक को काम होया ही नहीं, 5-7 साल में ही होना बता, पंचायत करवाओ की है। चलिए 10 में से कितने नंबर उनको देंगे? नंबर तो ये की 0 नंबर है, कि तक काम तो करवाया है ना, इतना एक भी काम पूरा ना हो रहा। चलिए इन सज्जन ने भी उन्होंने जो कामकाज करवाए थे सरपंच साहब ने उनके हिसाब से 0 नंबर दिए हैं।